नमस्कार दोस्तों, गौरांशा बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। और इस सोमवार की सुबह आप सभी का स्वागत है। मार्केट का ब्यौरा लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। हमने देखा पिछले कुछ हफ्तों से गिरावट, लेकिन शुक्रवार को थोड़ी बहुत बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार। लेकिन जो खबरें शनिवार और रविवार को उभर करके आई अमेरिका से, उसको लेकर के पूरे विश्व भर के बाजार में नकारात्मक परिस्थिति थी। अमेरिका के मार्केट्स भी नीचे की तरफ थे, यूरोपियन मार्केट्स नीचे थे। आज सुबह जब एशिया का बाजार खुला, वो भी करीबन 1.25% की गिरावट के साथ खुले, और हमारे यहाँ पर भी हमने देखा कि गिरावट के साथ शुरुआत हुई है। लेकिन फिलहाल इस सोमवार की सुबह करीबन 11:30 के आसपास में जब आपसे बात कर रहा हूँ, तो कुछ हमने ऊपर के स्तर देखे हैं। जो निचले स्तर थे उससे थोड़ा बहुत बाजार ऊपर की तरफ उभरा है। कुछ स्तर आपको बता देता हूँ। सेंसेक्स 57,890 पे 500 पॉइंट की गिरावट। निफ्टी 16,950 पर 150 पॉइंट की गिरावट। और निफ्टी बैंक 39,275 320 पॉइंट की गिरावट है निफ्टी बैंक पर। मुद्रा बाजार और ऊर्जा बाजार यानी कि कच्चा तेल, दोनों के भी स्तर बता देता हूँ। रुपया थोड़ा बहुत मजबूत है डॉलर के मुकाबले, 5 पैसे की मजबूती हम रुपए में देख रहे हैं डॉलर के मुकाबले, और स्तर है 82.50 प्रति डॉलर। और कच्चा तेल 72.30 डॉलर्स प्रति बैरल है ब्रेंट, और नाइमैक्स कामकाज कर रहा है 66.15 डॉलर्स प्रति बैरल। यहाँ पर हमने गिरावट देखी, और ये अच्छी बात है उन सब देशों के लिए जो ज़्यादातर निर्भर है कच्चे तेल के इम्पोर्ट्स को लेकर के। हमारे यहाँ पर भी इसका फायदा होता है, लेकिन जैसे हमें सबको पता है रशिया से हमें बाजार से कम भाव में, डिस्काउंटेड भाव में कच्चा तेल मिल रहा है। और अगर ये कुछ मात्रा में होता है तो बाकी अन्य जो हमारी ज़रूरत है वो बाकी अन्य देशों से हम इंपोर्ट करते हैं, तो कच्चा तेल गिरता है, तो ये सकारात्मक बात है उन सब देशों के लिए जो इंपोर्ट करते हैं कच्चा तेल अपनी ज़रूरतों के लिए। तो दोस्तों, इस हफ्ते मेरे ख्याल से अमेरिका की जो फेड है, फेडरल बैंक, वहाँ पर से फेड चीफ घोषणा करेंगे ब्याज दरों को लेकर के। और हो सकता है कि जो परिस्थिति और वातावरण है वहाँ पर, उसको देखते हुए शायद ऊपर के तरफ के बदलाव हो ब्याज दरों में। और बाकी अन्य बैंक को लेकर के भी काफ़ी चिंता के वातावरण है। SVB बैंक की बात सुनी, सिग्नेचर बैंक की बात सुनी हमने, और अभी क्रेडिट रिस्क को लेकर के भी कुछ चिंताएँ हैं। तो देखना लायक ये होगा कि विदेशी मार्केट से जो खबरें आती हैं वहाँ पर किस तरीके का रुझान है। और अगर नकारात्मक खबरें आती हैं तो जाहिर है अमेरिका का मार्केट तो नीचे जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ बाकी अन्य जो विश्व भर के बाजार हैं वो भी काफ़ी हद तक नीचे जा सकते हैं। तो इस मिला जुला सा रुझान रहेगा। उम्मीद है कि ज़्यादा नकारात्मक परिस्थिति न हो, लेकिन ये आने वाले समय में आकलन लगा सकते हैं हम। इस पर किसी भी तरह का आगे जा करके टिप्पणी करना मुश्किल है, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या उभर करके आएगा। और अगर ब्याज दरें बढ़ती है तो जाहिर है उसका एक नकारात्मक असर पूरे विश्व भर के बाजारों में हमको आता हुआ दिखेगा। स्थानीय मार्केट में ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, कोई ऐसी खबरें नहीं है, लेकिन विदेशी बाजारों से जो खबरें आती है उससे हमारे यहाँ पर थोड़ा बहुत रुझान नकारात्मक होता है। उसके साथ साथ विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से बिकवाली जो हो रही है उसके कारण थोड़ा बहुत दबाव बाजार पर रहता है। लेकिन इस स्तर जो है नीचे के, जो हम आप जहाँ पर हम कामकाज कर रहे हैं फिलहाल, वो हमने देखे हैं, पहले भी देखे हैं, और यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ का रुझान भी हमने देखा था। और अगले महीने अप्रैल में पहले दूसरे हफ्ते में चौथी और आखिरी तिमाही के नतीजे इस वित्तीय वर्ष के शुरू हो जाएंगे ना। उम्मीद हम ये रखते हैं कि थोड़ा बहुत दशा और दिशा चौथे तिमाही के नतीजों से हमें मिले और सकारात्मक से आंकड़े आए, ज़्यादा निराशा ना हो और थोड़ा बहुत रंग बेहतर हो आंकड़ों को लेकर के। इसी तर्क के आधार पर हम हर बार आपको निवेश की राय देते हैं। और ऐसे बाजार में दोस्तों एक बात है कि आपको कम दाम में आकर्षित स्तरों पर निवेश करने को मिलता है, जिससे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो काफ़ी फेवरेबल हो जाता है। और गिरते हुए बाजार में लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो खड़ा करने का एक बहुत सुनहरा मौका होता है। तो हर बार हम आपको कुछ विकल्प देते हैं। आज भी हम दो विकल्प लेके आए हैं अलग अलग क्षेत्र से। एक है निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक की कंपनी, और दूसरी है सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। पहली है एक्सिस बैंक। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड और जो रिटेल कारोबार है उसका जो अधिग्रहण किया था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है।
और इसको लेकर के शायद जो चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे एक्सिस बैंक में, उसमें उनको कुछ प्रोविजंस करनी पड़ेगी, जिसके कारण जो मुनाफा है वो शायद थोड़ा बहुत नीचे की तरफ दिखाई दे, लेकिन ये एक वन टाइम एडजस्टमेंट होगा। और अगर मैं तीसरे तिमाही के नतीजों की बात करूँ एक्सिस बैंक के, तो वो काफ़ी बेहतर आए थे, और हमें लग रहा है कि आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर, NBFC सेक्टर काफ़ी अच्छा स्तर होगा। आंकड़ों के आधार पर, नतीजों के आधार पर हमें लग रहा है कि एक मौका है यहाँ पर निवेश करने के लिए, तो एक्सिस बैंक पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है भारतीय एयरटेल के रूप में दूसरी सबसे बड़ी सेल्यूलर सर्विस उपलब्ध कराने वाली कंपनी, काफ़ी बड़ा उपभोक्ताओं का बेस है इनका, और जिस तरीके से भारत की जनसंख्या है निरंतर नए सब्सक्राइबर्स जुड़ते जाते हैं इनके पास। टैरिफ्स को लेकर के हमें लग रहा है जिस तरीके से रिवीजन हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए, और आने वाले भविष्य में जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने पहले करी थी कि आने वाले समय में भी भविष्य में ये जो टैरिफ्स है वो ऊपर जाएंगे, जिसके कारण जो ARPU है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, उसमें अच्छा योगदान होगा, और उसके कारण मुनाफे में भी आपको एक बेहतर आंकड़ा आता हुआ दिखेगा। तो दोनों ही कंपनियां एक्सिस बैंक और भारतीय एयरटेल जिस स्तर पर कामकाज कर रही है वहां से रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी हमें फेवरेबल लगता है। और एक ही बिनती है, जैसे हम हर बार करते हैं, कि ये जो हम सुझाव आपको दे रहे हैं ये बुनियादी तर्क के आधार पर है, फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट आइडियाज है, तो इसके लिए आपको साल, डेढ़ साल, दो साल की नज़रिया आपको रखना पड़ेगा। ये इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के लिए स्टॉक्स नहीं है, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप थोड़ा थोड़ा किस्तों में निवेश कीजिए और आगे बढ़ते जाएं, इस तरीके से आप एक अच्छा पोर्टफोलियो खड़ा करें। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।